जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मोनिश अपने आज़म आप सबका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम हमारे एक सब्सक्राइबर के पास आए हैं जिन्होंने हमसे बारामती में आके मुलाकात की, अल्लाह की रज़ा के लिए हमसे प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी ली और अभी ग्राइंडिंग मशीन सेटअप भी की है। तो ये है उनका पूरा गोडाउन, आइए दिखाता हूँ ओवरऑल वो किस तरह काम कर रहे हैं। दोस्तों, बड़े लंबे समय से मुझे और खान साहब को अक्सर कॉल्स आते थे, कॉमेंट आते थे कि मोनिश भैया, मोनिश भाई और खान साहब, आप जो हैं पीवीसी स्क्रैप के बारे में जानकारी लेके आइए, हम पीवीसी स्क्रैप में काम करते हैं, हमें पीवीसी स्क्रैप चाहिए, यूपीवीसी स्क्रैप चाहिए, सीपीवीसी स्क्रैप चाहिए, ये कहाँ मिलेगा। तो भैया, अब आपकी ख्वाहिश हो गई है पूरी, इस वीडियो में मिलेगी आपको पूरी जानकारी। सो दोस्तों, ये मोहम्मद अख्तर जो एमएस ट्रेडर के खान साहब से मुलाकात किए थे बारामती आके प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी ले, आइए अब ये देखिए, ये इनके पास पीपी का ग्राइंडिंग है, दिख रहा है आपको, ये देखिए एकदम क्लीन वॉश माल है, साफ सुथरा माल है, एक बार माल देखिएगा, और इस तरह और A1 ग्रेड का है, यानी कि फर्स्ट क्वालिटी का है, बिल्कुल फिलर नहीं है, फर्स्ट क्वालिटी है, नेक्स्ट टू वर्जिन, दिख रहा है आपको, ये देखिए दिख रहा है आपको माल, बहुत अच्छे से इंस्पेक्ट कीजिए। सिर्फ ये वाला ही नहीं, आप ये वाला भी अगर देखेंगे तो ये वाला भी बिल्कुल वैसे का वैसे ही है, ये देखिए दिख रहा है आपको, और ऐसे ही यहाँ पे सारा का सारा माल, और यहाँ देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये ब्लैक कलर बिल्कुल नहीं समझिएगा, ये पर्पल कलर वाला है, एक अलग क्वालिटी है, ब्राउन देख रहा है आपको, किस तरह का क्वालिटी है। ये पूरा का पूरा इनके पास तकरीबन 15 से 20 टन माल अभी अवेलेबल है और हर महीने आपको 30 से 40 टन दे सकते हैं। आइए अब मोहम्मद अख्तर, ये जो आपका पीवीसी का टाइमिंग है बराबर, तो ये वॉश किया हुआ, वॉश करता वॉश के लिए पीवीसी का ग्राइंडिंग देखिए कितना साफ सुथरा है। अब ये पीवीसी ग्राइंडिंग का आप वापर कर सकते हैं, एकदम प्लांट वेस्ट हो गया, मशीन टच पूरा का पूरा साफ माल है, और देखिए माल यहाँ पे रखने के बाद इसको ड्राई भी किया जाता है, देखिए बिल्कुल भी नमी नहीं है, आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए बिल्कुल भी नमी नहीं है। और ये मोहम्मद अख्तर के पास हर महीने आपको 60 से 70 टन निकल जाएगा और अभी इनके पास 50 टन के करीब है, 50 टन है, आइए आइए आप आइए। और ये है इनका वॉशिंग प्लांट, अगर जितने लोग मेरा यूट्यूब पे वीडियो पहले देख चुके हैं तो उन्हें पता होगा कि ये आइडिया जो है खान साहब ने इजाद कराया था और मार्केट में लेके आया था ताकि लोगों को वॉशिंग प्लांट में पैसे खर्च करने की आवश्यकता ना पड़े। ये देखिए यहाँ पर मोटर लगा दिया गया है, यहाँ पे एक एंगल डाल दिया जाएगा, नीचे ब्लेड होगा, प्रोपेलर टाइप वो घूमेगा, यहाँ से जो है साफ होगा। और ये देखिए जाली है, देखिए एक भंगार वाला, एक कबाड़ वाला और एक स्क्रैप वाला ही इस मुहावरे का असली मतलब जानता है कि समवंस ट्रैश इज समवंस ट्रेजर, यानी कि किसी का कचरा किसी का खजाना। लोग इस तरह के पंखे के शेल को कचरे में फेंक देते हैं, पर आप देखेंगे तो हम जैसे कबाड़ वाले और भंगार वाले इस शेल का वापर करते हैं इस तरह ग्राइंडिंग को निकालने में, दिखाई दे रहा है आपको। और यहाँ पे वॉश करने के बाद यहाँ पे उसे स्वच्छ किया जाता है, फिर वहां स्वच्छ करके वहां स्टॉक किया जाता है और फिर उसे फैला दिया जाता है। अब ये तो हो गया वॉशिंग पार्ट, अब आइए अब मोहम्मद अख्तर ये बताएंगे ये इसमें क्या है, इसमें पीवीसी है, पीवीसी पूरा, अच्छा इसमें पीवीसी है, यानी कि जब यहां से वॉश करा के ड्राई कर लिया जाता है और ड्राई करने के बाद जो है फिर यहाँ पे स्टॉक किया जाता है, तकरीबन अभी इनके 50 टन के करीब माल है, आइए। और ये क्या है व्यापारियों, आपके स्क्रीन के सामने आपको HDPE 50 लीटर के ग्राइंडिंग स्क्रैप नज़र आ रहा होगा। अब ये HDPE ये ग्राइंडिंग स्क्रैप जो है 50 लीटर वाला कैन का ग्राइंडिंग किया गया है और इसे अच्छे से वॉश भी किया गया है, यानी कि आपको साफ सुथरा मशीन टच माल मिलेगा। और इसी HDPE के ग्राइंडिंग के बाजू में आपको UPVC का ग्राइंडिंग स्क्रैप भी दिखेगा। अब ये UPVC का जो ग्राइंडिंग स्क्रैप है ये ब्लू कलर का है, इसी के साथ साथ आपको CPVC का भी
ग्राइंडिंग स्क्रैप मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, HDPE की जो ग्राइंडिंग मटेरियल है वो आपको हर महीने 10 से 30 टन मिलेगी, और UPVC और CPVC का जो ग्राइंडिंग स्क्रैप है ये आपको हर महीने 40 टन के करीब मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको पता है मोहम्मद अख्तर को कैसे कॉन्टैक्ट करना है। जो आप सबको समझना चाहिए इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए, मैं बताना चाहूँगा कि ये इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं कि ये एक गोनी में कितना बैठता है, 50 kg। एक गोनी में 50 kg इसके करीब ग्राइंडिंग बैठता है, और वो ग्राइंडिंग को ये स्टिच करके देते हैं ताकि गाड़ी में जब आपका माल लोड होके जाए तो वो कहीं पे भी माल गिरे नहीं। और ये 24 इंच की ग्राइंडर है, सही है ना? 18 ये 18 इंच की ग्राइंडर है। और ये ग्राइंडर आपने किन से लिया था? खान साहब से। तो ये ग्राइंडर अभी कितना महीना हो गया चला के? 6 महीना। कोई रिस्पॉन्स, कोई खराबी, कोई तकलीफ नहीं? कुछ नहीं, सब ओके। कटर वगैरह भी, कटर तो आपने लगाया नहीं, निकाल दिया, और ग्राइंडिंग सही काम कर रहा है? सही है। ये है 18 इंच की ग्राइंडिंग, और 6 महीने हो गए मोहम्मद अख्तर को लेके, और अभी तक सही का सही चल रहा है। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत, कोई शिकायत नहीं? नहीं। अच्छा, खान साहब ने ये फाउंडेशन जैसा लगाने वाला था वैसा किया, अच्छे से चल रहा है, प्रोडक्शन आउटपुट सही दे रहा है? सही है। पक्का? मेरा नाम मोहम्मद अख्तर है, मेरा कंपनी का नाम स्क्रैप मर्चेंट है। हम लोग तकरीबन PUC और PP4 का ग्राइंडिंग बनाते हैं। हम लोगों को कितना क्वांटिटी चाहिए उतना क्वांटिटी में देगा, पीपी और पीयूसी। अभी आपके पास पीवीसी ग्राइंडिंग जो पीछे रखा है ये कितना क्वांटिटी है? वो तकरीबन हमारा 50 टन का करीब। 50 टन है। हाँ। और उस तरफ पे जो आपका पीपी का ग्राइंडिंग रखा है वो कितना है? वो तकरीबन 15 टन है। 15 टन के करीब है। और हर महीने आप 100 टन के करीब स्क्रैप दे देंगे? दे देंगे। ठीक है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप ये बिजनेस कर रहे हैं तो आप एकदम वॉश करके, क्लीन करके, साफ सुथरा करके माल देते हैं? हाँ, साफ सुथरा करके माल देते हैं। हाँ, और माल की क्वालिटी तो वीडियो में लोगों ने देखी ही थी। सही। अच्छा, तो अब आप मुझे बताइए कि प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी आपने खान साहब से कितने महीने पहले ली थी? 8 महीने पहले लिया। 8 महीने पहले लिया था। और खान साहब ने जानकारी देते वक्त आपसे कुछ पैसा वगैरह लिया था? नहीं नहीं। अच्छा, और ये मशीन आपने खान साहब के माध्यम के जरिए ली? और ये स्क्रैप का बिजनेस कैसा सेटअप करना है, दाव पेच वगैरह सारी जानकारी खान साहब ने आपको दी? सब ने दिया, एकदम परफेक्ट दिया, एकदम परफेक्ट दिया। तो आप अपने लोकल भाषा में कुछ कहना चाहेंगे हमारे सब्सक्राइबर्स को? जानकारी पहले हासिल करना चाहिए, किसी के पास जानकारी होता है इनके पास लेना चाहिए। हाँ, नहीं तो आप अटक जाएगा बीच में। अच्छा, तो मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे ये दो भाई मिलकर अपना बिजनेस शुरू किए हैं, आप भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और अगर आप स्क्रैप को खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोहम्मद अख्तर का नंबर दिया हुआ है, उनको कॉल कीजिएगा और उनसे डायरेक्ट डील कीजिएगा। सो दोस्तों, अगर आपको अख्तर के गोडाउन पे आना है तो दिए गए लोकेशन पे, ये जो NH 73 हाईवे है, इस हाईवे के इधर ही ये जैन रेस्टोरेंट है। और ये जैन रेस्टोरेंट के लिए जब एंट्री मारते हो यहाँ से, तो यहाँ से आप नीचे जाओगे तो यही सामने है मोहम्मद अख्तर का गोडाउन, जिस गोडाउन में आपको मिलेगा पीपी और पीवीसी का ग्राइंडिंग स्क्रैप। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम के जरिए आपको समझ में आया होगा कि किस तरह मोहम्मद अख्तर ने अपने बिजनेस को शुरू किया और आज उसके पास कितनी सारी स्क्रैप की क्वांटिटी है। कमोएश 100 टन के करीब उसके पास ग्राइंडिंग स्क्रैप अवेलेबल है, जिसमें 50 से 60 टन के करीब जो है पीवीसी ग्राइंडिंग स्क्रैप है वॉश किया हुआ, 15 से 20 टन के करीब पीपी ग्राइंडिंग स्क्रैप है, वो भी वर्जिन पीपी, मिक्सिंग बिल्कुल नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड का नहीं बल्कि वर्जिन पीपी है जो आपने वीडियो में देखा। और तीसरी चीज़, 10 टन के करीब अभी उनके पास HDPE का 50 लीटर के ड्रम का ग्राइंडिंग स्क्रैप है, और हर महीने इनके पास HDPE ग्राइंडिंग स्क्रैप आपको तकरीबन 10 से 30 टन के करीब मिलेगा, और UPVC और CPVC का ग्राइंडिंग स्क्रैप इनके पास 40 टन के करीब हर महीने मिल जाएगा, और अभी भी इनके पास UPVC और CPVC का ग्राइंडिंग स्क्रैप है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं PVC के और अन्य ग्राइंडिंग स्क्रैप खरीदने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोहम्मद अख्तर का लोकेशन भी दिया है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दिए हैं, आप डायरेक्ट फ़ोन पर उनसे बात कीजिएगा, भावताव कीजिएगा और डील को सेटअप कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह MS ट्रेडर आपकी भी सहायता करे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया है, टाइमिंग अनुसार छुट्टी का दिन छोड़ के आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम अवेलेबल होंगे, तो अल्लाह की रजा के लिए आपका फ़ोन अवश्य उठाएंगे। और अगर आप प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी हासिल करना चाहते हैं, प्लास्टिक स्क्रैप का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जैसे मोहम्मद अख्तर ने MS ट्रेडर के सहारा लेके, MS ट्रेडर के माध्यम के जरिए अपना बिजनेस शुरू किया,
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियोस के लिंक दिए हैं, एक एक करके पूरा वीडियोस देखिएगा, जो समझ में आता है उसको छोड़ दीजिए, जो नहीं समझ में आता उसे नोट डाउन कीजिए, और जब सारे सवाल तैयार हो जाए तब हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा और खान साहब का नंबर दिया है टाइमिंग अनुसार छुट्टी का दिन छोड़ के कॉल करें, हम अल्लाह की रजा के लिए अवेलेबल होंगे, तो आपका फ़ोन उठाएंगे और आपको अपॉइंटमेंट देंगे। जब आप अपॉइंटमेंट ले लेते हैं तो दिए गए तारीख समय को महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट के बारामती शहर में हमसे मुलाकात करना है, जैसे बाकी लोग आते हैं। फिर अल्लाह की रजा के लिए आप जानकारी के लिए 1 घंटा लें, 2 घंटा लें या 3 घंटा लें, हम अल्लाह की रजा के लिए आपको निःशुल्क फी सबिलिल्लाह अल्लाह की रजा के लिए जानकारी देंगे। और अभी तक अगर आपने हमारे बिजनेस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भैया 8 व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दिए हैं, उसमें पहला जो VIP ग्रुप है वो अभी के लिए फ्री है, भविष्य में चार्जेबल हो सकता है, तो उस ग्रुप में नक्की ज्वाइन हुए, और उसके बाद जो बचे हुए 7 व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें से किसी एक ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाए, यानी कि कुल मिला के 2 व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ज्वाइन होना है। वहाँ पर आपको प्लास्टिक स्क्रैप से रिलेटेड लेटेस्ट जानकारियाँ मिलेंगी, प्लास्टिक स्क्रैप खरीदने बेचने की जानकारी मिलेगी, व्यापारियों के डिटेल्स मिलेंगे जब व्यापारी ऐड डालते हैं, और आपके माल बेचने में आपकी मदद भी हो सकती है, आप चाहें तो ग्रुप में पेड सर्विस ऑफ कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपका भाई मुनीश इब्ने आज़म आपसे ये कहना चाहूँगा कि भैया आप में से कई लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो के अंत तक भी बने रहते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो भैया मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि पहले हम अल्लाह की रजा के लिए आपको वो देते हैं जो आपको चाहिए, फिर आपसे वो मांगते हैं जो हम दोनों को चाहिए। तो भैया खान साहब कहते हैं इस परिवार का सदस्य बनिए, आइए इस परिवार से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर लाइक और कॉमेंट मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। और हाँ एक चीज़ और, इंस्टाग्राम वापरते हो तो फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे और खान साहब के लिंक दिए हुए इंस्टाग्राम हैंडल के, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा हम आपके शहर में आया तो आपसे मुलाकात करने के लिए हम आ जाएंगे या आप हमसे मुलाकात करने के लिए आ जाइए। बारामती जो महाराष्ट्र स्टेट में आता है उसके आने जाने का खर्चा आपका बच जाएगा। तो भैया जाइए, लेटेस्ट लाइव अमेजिंग अपडेट के लिए इंस्टाग्राम पे हमें आप फॉलो कर सकते हैं। अभी के लिए मैं आपका भाई मुनीश इब्ने आज़म आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अस्सलामु अलैकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।